हेलो फ्रेंड्स, आपका सरीन पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है. ठीक है, सरीन पाठशाला की एक हमारा वेंचर है इंग्लिश के लिए डिवोटेड, जो है आद्या इंग्लिश क्लासेस. ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है. आज हम देखते हैं कुछ इंग्लिश के बारे में कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, दो सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डराते हैं. ठीक है, एक है मैथ्स, जिसका मैथ्स का लिटरली लोगों को फोबिया होता है, और दूसरा है इंग्लिश. ठीक है, मैथ्स तो फिर भी प्रैक्टिस के बाद लोग मास्टर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश का डर, जब तक इंग्लिश आ नहीं जाता आपको बोलने, तब तक इंग्लिश का डर जाता नहीं है. ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि हमारा एम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला इंग्लिश जो है उसको केटर करना है. ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, पहले एक ग्रामर सीखना है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फोकस के लिए. ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारा वोकैबुलरी. ठीक है, नाउ वंस यू आर डन, अगर मैंने इंग्लिश कहा तो इंग्लिश में आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है. तीन सेक्शंस आ गए, एक तो है हमारा ग्रामर, ठीक है, दूसरा है वोकैबुलरी, और तीसरा आ जाता है एप्लीकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये तो फिर भी लोग रट लेते हैं. ठीक है, ये भी पूरा कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कवर करने की कोशिश करते हैं और हम करेंगे. ठीक है, और लेकिन तीसरा जो सेक्शन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है इसका एप्लीकेशन. जो भी आपने ग्रामर पढ़ा या वोकैबुलरी पढ़ा, उसका एप्लीकेशन. अब एप्लीकेशन में कौन से सेक्शंस आ जाते हैं हम देख लेते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, ठीक है, क्लोज टेस्ट आ गया, फिर उसके बाद में पैरा जंबल्स, जो पी क्यू आर एस वाले हमारे क्वेश्चंस होते हैं, पीजेज, ठीक है, और पैरा जंबल्स जिसको हम कहते हैं, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, या फिर पी क्यू आर एस वाले क्वेश्चंस विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी नो दैट. ओके, सो तीन हमारे सेक्शंस, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड एप्लीकेशन. सबसे पहले आपको वर्क करना है ग्रामर पे, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज, नॉट जस्ट इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज उस लैंग्वेज के नियमों पे आधारित है, और उन नियमों को हम कहते हैं ग्रामर. ठीक है, उसके बाद अब नियम तो आपको आ गए, लेकिन लैंग्वेज में शब्द भी तो हैं, शब्दों का मतलब आपको समझना पड़ेगा. उस मतलब को समझने के लिए आपको साथ साथ ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी पे भी काम करना पड़ेगा. ठीक है, दीज टू गो हैंड इन हैंड. अब इन दोनों पे साथ साथ वर्क करने के बाद आ जाता है आपका एप्लीकेशन. यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, दीज आर वेरी स्कोरिंग, वेरी वेरी स्कोरिंग. अगर मैं कहूँ इंग्लिश का जो भी है, 100 मार्क्स है, 200 मार्क्स है, 120 मार्क्स है, जो भी इसका वेटेज, जो अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग वेटेज है. ठीक है, ग्रामर का 1/3 वेटेज होगा, वोकैबुलरी का अप्रॉक्सीमेट अगेन, ठीक है, 1/3 वेटेज होगा, एंड द 1/3 वेटेज गोज टू एप्लीकेशन, जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, और इसीलिए आपके नंबर घट जाते हैं, क्योंकि आपने तो तैयारी सिर्फ 2/3 पार्ट की है. आपने तैयारी इंग्लिश की सिर्फ 2/3 पार्ट की है. ठीक है, और इस 2/3 में भी आपके कुछ गलत होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जितना भी आप मार्क करोगे सारा सही होगा, तो नेगेटिव मार्किंग में भी चला जाता है. ठीक है, और इसी से अगर कट ऑफ क्राइटेरिया आ गया या रैंक बनाने की बात आ जाती है, तो वो सफ़र कर जाता है. ठीक है, चलिए आज हम ग्रामर तो नहीं, लेकिन वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स हम पढ़ लेंगे आज. ठीक है, देखते हैं. ओके, अब वोकैबुलरी पढ़ने के लिए हमारा बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है, बचपन से जैसा हम पढ़ते आए हैं. हमें कहा जाता है कि वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग और एंटोनिम्स याद कर लो, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये तो वोकैबुलरी पढ़ने का शुरुआत है. ठीक है, सिर्फ वर्ड मीनिंग और एंटोनिम से काम नहीं चलेगा, आपको वोकैबुलरी पढ़ते वक्त अप्रोच कैसा रखना है, वोकैबुलरी पढ़ते वक्त अप्रोच कैसा रखना है आपको, आपको उसका मीनिंग तो समझना ही है. ठीक है, पहले स्टेज पे सिर्फ मीनिंग समझते जाओ, मीनिंग और एंटोनिम साथ साथ पढ़ लेते हैं. अब शब्द ही हमारे लिए नया है, और मीनिंग और एंटोनिम दोनों साथ में पढ़ लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं. तो पहले स्टेज पे सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग समझते जाओ. ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एंटोनिम नहीं पढ़ना है. मैं ये नहीं कहूँगी नहीं पढ़ना, पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आप अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हो. जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है तो आपको पता है ऑप्शन इसी तरह से आएगा. चार ऑप्शन होंगे आपके पास, सिनोनिम पूछेंगे, तीन एंटोनिम दे देंगे उसी शब्द का, और एक सिनोनिम. ठीक है, तो वहाँ पे माइंड थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में कन्फ्यूज़ हो जाता है. ओके, सो पहले आप मीनिंग पढ़ो, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच समझना.
ये हम अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. हमें लगता है कि यार पार्ट ऑफ स्पीच समझना क्या ज़रूरी है. आपने देखा होगा कोई भी अच्छी डिक्शनरी हो, कोई भी अच्छी डिक्शनरी, उसके बाजू में कोई भी शब्द हो, उसके बाजू में एक छोटा सा एन लिखा होता है, छोटा सा वी लिखा होता है. क्यों? बिकॉज वोकैबुलरी के मीनिंग के साथ साथ, इनफैक्ट आप देखेंगे मीनिंग के पहले उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है. वो अलग बात है कि हम उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं. ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको मीनिंग समझना चाहिए और उसके साथ साथ उसका पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है, ये दोनों जब आपका साथ में चलेगा तो आपका नॉट जस्ट वोकैबुलरी लेकिन ग्रामर भी बहुत अच्छे से तैयार होता जाएगा. और अब मैं वोकैबुलरी में पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ वोकैबुलरी के पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं. हमारे पास 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. कुछ लोग डिटरमाइनर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. ठीक है, लेकिन वोकैबुलरी पर्स्पेक्टिव से सिर्फ 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, सिर्फ ये चारों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो किसी भी शब्द का जब ये चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझते हुए चलोगे तो आपका ग्रामर और उसके साथ साथ वर्ड का नॉलेज भी बहुत बढ़िया होता चलता है. ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं, जल्दी से कुछ शब्द आज पढ़ लेते हैं. ओके, तो आज हम सबसे पहला शब्द जो करेंगे वो है sang and not just sang. हम इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? आप कहेंगे sang Freud, है ना? बट हम, ये एक फ्रेंच वर्ड है. ठीक है, और फ्रेंच वर्ड्स का लास्ट अल्फाबेट प्रोनाउंस नहीं होता है तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे sang. हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं या हिंदी लैंग्वेज अगर आपको समझ में आता है तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं. ठीक है, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? वी प्रोनाउंस इट एज sang Froa. ओके, नाउ दिस इज अ क्वालिटी टेलिंग वर्ड. ये क्वालिटी बताने वाला शब्द है तो ये एडजेक्टिव है. ठीक है, sang Froa एंड अनदर वर्ड sanguine, ये भी एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताने वाला वर्ड है. ठीक है, sang Froa एंड sanguine. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय sang Froa एंड sanguine? दोनों में sang sang है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है. बट देर इज वन थिंग विच इज कॉमन टू बोथ द वर्ड्स. नाउ व्हाट इज दैट कॉमन थिंग? In difficult times. In difficult times. ठीक है, सो मुश्किल समय में दो क्वालिटी जो आपने दिखाई उसी को हम कहेंगे sang Froa और sanguine. ओके, अच्छा, मुश्किल समय में कौन से दो क्वालिटीज हमें दिखाना ज़रूरी है? कुछ लोग कहते हैं मेहनत करना. चलो आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, घर से पैसे ले रहे हो, ठीक है, आप फैमिली पे डिपेंडेंट हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वर्क भी कर सको. आपके लिए मुश्किल समय है इंडिविजुअली तो बिल्कुल हार्डवर्क करना, ठीक है, लेकिन मान लो फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, वहाँ पर आप क्या करोगे मेहनत करके? ठीक है, सो यस, मेहनत करना इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज़, बट दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू शो इन डिफिकल्ट टाइम्स, और नॉट नेसेसरी कि वो ज़रूरत है उस चीज़ की. ठीक है, चलो, डिफिकल्ट टाइम्स में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, एक तो पेशेंस बनाए रखना. ठीक है, जो आप समझ सकते हैं अभी SSC आपको कितना परेशान कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत मुश्किल समय है, आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन प्राइम मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है इस वक्त पेशेंस बनाए रखना. ठीक है, सो वन इज़ पेशेंस एंड सेकेंड, पेशेंस कैसे बनेगा? जब उम्मीद होगी. ठीक है, तो आपको उम्मीद बनाए रखना है और उम्मीद के साथ साथ पेशेंस भी बनाए रखना है. ओके, सो वन ऑफ दिस इज़ बीइंग, उम्मीद बनाए रखना मतलब पॉजिटिव रहना. ठीक है, सो व्हाट इज़ बीइंग पॉजिटिव? सैंग्विन. सैंग्विन का मतलब है होपफुल. ओके, एंड sang Froa. sang Froa का मतलब है काम, कंपोजर. काम, कंपोजर. ठीक है, ओके, इसी को आप कह सकते हैं पेशेंस. बट सी, नॉर्मली पेशेंस इन डिफिकल्ट टाइम्स, दैट बिकम्स sang Froa. अब कोई ऑफिसर है किसी डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहा है, ठीक है, और IAS ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहा है, वहाँ पे कोई दंगे छिड़ गए. ओके, तो कोई दंगे छिड़ गए और वहाँ पे उसको क्या करना है? उसको अब होपफुल रहना है कि ठीक है अभी थोड़े दिन में दंगे शांत हो जाएंगे वो, या उसको पेशेंस बनाए रखना है? वो अच्छे से अपनी ड्यूटी कब निभा पाएगा? जब वो पेशेंस बनाए रखेगा, काम, कंपोजर बनाए रखेगा, तभी वो अच्छे डिसीशंस ले पाएगा. ठीक है, सो sang Froa इज काम, कंपोजर और पेशेंस इन डिफिकल्ट टाइम्स. ओके, एंड sanguine इज होपफुल, और जिसको हम कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक,
ठीक है, होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक इन डिफिकल्ट टाइम्स. तो आई होप आपको याद हो गया ये दोनों शब्द, सैंगफ्रोआ और सैंग्विन. ओके अच्छा, सैंग्विन करण अर्जुन मूवी आपने देखी होगी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों शब्दों में से करण अर्जुन की माँ ने कौन सी क्वालिटी दिखाई, सैंगफ्रोआ और सैंग्विन? अच्छा, एक सिग्नेचर डायलॉग था उस मूवी का, है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, इजंट इट? सो व्हाट इज दैट? शोइंग पेशेंस और बीइंग होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक. यस, इट इज बीइंग होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक. सो उन्होंने जो क्वालिटी दिखाई वो क्या है? सैंग्विन. ओके चलो बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ. अब दो शब्द, ठीक है, एक है कॉम्प्लीमेंट और एक है कॉम्प्लीमेंट. स्पेलिंग एरर्स में अगर ये दोनों शब्द आ गए, बाय द वे आपको पता होना चाहिए कि आपको स्पेलिंग एरर्स भी आ ही जाते हैं, ठीक है, तो इन दोनों शब्दों में से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है? हाँ जी बिल्कुल, दोनों भी स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ यूज़ करना है, और ये तब पता होगा जब आपको पता होगा कि दोनों का मतलब क्या है. देखो, कंप्लीट का स्पेलिंग क्या है? COMPLETE, है ना, कंप्लीट. सो कंप्लीट करने वाला जो स्पेलिंग है वो उस हिस्से को कहा जाता है जो कंप्लीट करता है, ठीक है. जैसे हम कहते हैं वन इज़ अ, वैदिक मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, वन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9, क्योंकि ये दोनों मिलके डेसिमल नंबर 10 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है. सो जो दो पार्ट्स हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं उनको हम कहते हैं, प्रत्येक हिस्से को हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. और ये क्या है, आपने एनवेलप्स देखा होगा, एनवेलप्स में हम कुछ लिखते हैं विथ बेस्ट, या तो विशेस लिखा होता है या तो कॉम्प्लीमेंट्स लिखा होता है, ठीक है. सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है विश. तो अब बताइए कि अगर किसी की तारीफ करनी होगी तो आप क्या देंगे? विश दिस कॉम्प्लीमेंट, राइट? एंड दिस कॉम्प्लीमेंट इज टोल्ड टू समवन. जैसे दो फ्रेंड्स हैं, तो दो फ्रेंड्स एक दूसरे को क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट करेंगे. एक की जो कमी है वो दूसरा पूरा कर दे रहा है, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है. अब कॉम्प्लीमेंट और दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्स, ये नाउन की तरह भी यूज़ हो सकते हैं और वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकते हैं, नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी. जैसे इफ़ आई से आई कॉम्प्लीमेंट यू, सो इट इज़ कॉम्प्लीमेंट, दिस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. और ये भी अगर मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, अगर मैं आपको कंप्लीट कर रही हूँ तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा, और तारीफ कर रही हूँ तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट होगा, वहाँ पे वर्ब हो गया. और इसी को अगर हमने एस लगा दिया तो वो नाउन हो जाएगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द सेंटेंस. ओके चलो, अब नेक्स्ट दो वर्ड्स जो हम देखेंगे वो है फ्लॉन्ट और फ्लाउट, ठीक है, फ्लॉन्ट और फ्लाउट. और इसी के साथ हम और दो शब्द देख रहे हैं, कन्फर्म और कन्फॉर्म. क्या ये दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट है? हाँ जी बिल्कुल, ये दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट है. एक बात बताइए, जब आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं या टिकट, रेलवे टिकट्स या कोई भी टिकट्स जब आप बुक करते हैं, तो आपको कौन सा मैसेज आता है? कन्फर्म, कन्फर्मेशन मैसेज, है ना. सो दोनों भी वर्ब्स है, ठीक है. कन्फर्म करना मतलब सुनिश्चित करना, मतलब टू मेक श्योर. कन्फर्म करना मतलब सुनिश्चित करना, मतलब टू मेक श्योर. और कन्फर्म करना मतलब फॉलो करना, ठीक है. जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा. बीइंग सैंग्विन मतलब बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल हम हो रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा. एक बार एसएससी को नोटिफिकेशन निकालने तो दो, फिर सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, ठीक है. चलो मान लो सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे उस डिपार्टमेंट के कोई ना कोई नियम होंगे, उन नियमों का आपको पालन करना होगा. सो यू विल हैव टू कन्फर्म टू द डिसिप्लिन और द रूल्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ओके, ठीक है. अब कन्फर्म का ही एंटोनिम है फ्लाउट. कन्फर्म का मतलब क्या था? फॉलो रूल्स. सो फ्लाउट का मतलब क्या होगा? डिसओबे. फॉलो और ओबे है तो डिसओबे, डिसओबे रूल्स का मतलब होगा फ्लाउट. और फ्लॉन्ट, चलो ये तो थोड़ा कॉमन सा वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए. सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? फ्लॉन्ट करोगे. नया मोबाइल लेते हो और वो भी अपनी कमाई से लोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? फ्लॉन्ट करोगे. पहली गाड़ी अपने कमाई की लेंगे तो क्या करेंगे? फ्लॉन्ट करेंगे, मतलब शो ऑफ, दिखावा.
ठीक है. सो एक बार रिकॉल कर लिया हमने आज क्या क्या वर्ड्स किया है. हमने किया है सैंगफ्रोआ, हमने किया है सैंगुइन, हमने किया कन्फर्म, कन्फर्म, कॉम्प्लीमेंट. सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन दो स्पेलिंग्स हैं, दोनों के मीनिंग बिल्कुल अलग अलग हैं. ठीक है. और फ्लॉन्ट और फ्लाउट एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे और देख लो ये वर्ड्स आपको याद है या नहीं. वोकैबुलरी एक और एक बात मैं आपको बता दूँ, वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो डेली आपको थोड़े थोड़े डोजेस में लेना पड़ेगा. ठीक है. एक बार में आप लोग क्या करते हो कि किसी ने वोकैबुलरी के ऊपर कोई लेक्चर दे दिया, नहीं नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बैठते हो एक साथ में 100-150 वर्ड्स पढ़ लोगे. फिर बाद में मेरे पास आते हो, बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम वोकैबुलरी याद नहीं होती है. हाँ, ये प्रॉब्लम है वोकैबुलरी की, क्योंकि आप बहुत ही गलत अप्रोच रखते हो वोकैबुलरी को याद करने की. आपको वोकैबुलरी याद करने के लिए उसको छोटे छोटे डोजेस में लेना पड़ेगा, 10-15 जो भी आपकी कैपेसिटी है उन डोजेस में लो, रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो और एसएससी को नोटिफिकेशन निकालने दो. जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा जल्दी से जल्दी सबको सिलेक्शन लेके दिखाओ. ठीक है. चलो, ऑल द बेस्ट.